लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है बिहार चुनाव को लेकर, और ये खबर बड़ी दिलचस्प है। इस बार सबसे बड़ा उलटफेर ये दिख रहा है कि रामविलास पासवान की LJP NDA से किनारा करती दिख रही है। LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लगातार उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना की है, लेकिन चिराग ने पीएम मोदी में भरोसा जताया। सबसे हैरानी की बात यह है कि LJP को लेकर BJP पूरी तरह से मौन हो गई है, यानी BJP ने अपने आप को शांत कर लिया है। लेकिन JDU ये चाहती है, जिसका जिक्र रविकांत कर रहे थे, JDU ये चाहती है कि BJP LJP को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे, अपनी रणनीति साफ करे JDU के सामने। मेरा विश्वास नहीं है सात निश्चय पर। सात निश्चय जो पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, नली गली को छोड़ दें, युवाओं का भी उसमें जिक्र किया गया था, उनके रोजगार का जिक्र किया था, पर उसके बाद से जिस तरीके से पलायन और बढ़ाया, तो इसका मतलब सात निश्चय धरातल पर उतर ही नहीं पाया। और दोबारा आप सात निश्चय 2 आप अनाउंस करते हैं, आप NDA, आप एक गठबंधन की आप बात करते हैं, पर उसमें आप सिर्फ अपना पर्सनलाइज एजेंडा आप उसमें सामने रखते हैं। जो आप पिछली बार से महागठबंधन का जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी एजेंडे को आप दोबारा लेकर पार्ट 2 के तौर पर आप लेकर आते हैं, तो बिहार की जनता का विश्वास नहीं है और मेरा तो बिल्कुल नहीं है इसमें। क्या मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे अभी भी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है।